कंटेंट के बारे में मैं सारा दिन सोचती हूँ, मुझे ये वीडियो बनानी है, ये वीडियो बनानी है, ये वीडियो बनानी है, नोट्स बनाती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, नोट्स बनाती हूँ। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके? स्वागत है आपका मेरी जिंदगी में एंड मेरे चैनल पे। और मेरा नाम है सिमार, मैं एक मम्मी हूँ, बहुत ही प्यारी मम्मी। ओके, सो मैंने आज एक वीडियो शूट की है जो कि है ये पिंक लुक पे, क्योंकि यू नो मैंने वो प्रोफाइल में पिक्चर डाली है जिसपे दोस्त बोल रहे हैं कि ओ प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें, ये तो मुझे लगा कि यार हाँ करते हैं। और दूसरी मैंने फाउंडेशन का रिव्यू शूट किया है, जो शायद मुझे लगता है कि ऑलरेडी चैनल पे होगा, जो कि एज परफेक्ट फाउंडेशन है। यही मैंने मेरे चेहरे पे लगाया है, उम्मीद नहीं थी मुझे कि ये इतना अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा निकला यार ये तो। लाइक एक ही लेयर में कितनी कवरेज आ गई। वैसे स्कार्स फिर भी दिख रहे थे, पर मैंने फिर कंसीलर यूज़ कर लिया था, पर या फिर भी कवरेज से काफ़ी खुश हूँ मैं। इतनी कवरेज दादा फाउंडेशन उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये बहुत पतला है। यहाँ पे बैठी हूँ फालतू में, मैंने सोचा कि लिपस्टिक पे लिपस्टिक लगा लेती हूँ। ना समटाइम होता है जब आप मेकअप के सामने बैठते तो लेयर पर लेयर चढ़ाते रहते हैं, विले का बढ़ा ना तो थोड़ा सा कर लेनी है मैं। सो मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, रिमल लंडन की स्टे मैट, जो मुझे अच्छी नहीं लगी थी पिछली बार, अभी भी मुझे अच्छी लगी नहीं है। पर मैं क्या करती हूँ, इससे थोड़ा सा लिप्स पर लगाती हूँ और देन डैब डैब कर लेती हूँ। जो इसका पीछे सा शेड है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने कोई मेकअप नहीं पहना होता, मैं इसको अपने लिप्स पे लगाती हूँ, तो जो ये पीची सी लुक देता है मेरे लिप्स को, ऐसे लगता है कि वो इतने हेल्दी एंड इतने अच्छे हैं, लाइक नेचुरली ऐसी वाइब्स देता है। बिकॉज अब मैंने किलो लिपस्टिक दूसरी लगा रखी है, पता नहीं वो वाइब्स अब ये देगा या नहीं। सो वो दे रहा है स्टी। यू नो जब हम कमर्शियल्स देखते हैं जिसमें गर्ल्स ने प्रिटेंड किया होता है कि उन्होंने कोई मेकअप नहीं पहना और उनके लिप्स ऐसे प्लम्पी लगते हैं, पीची लगते हैं, वैसे लिपस्टिक ये वाइब दे रही थी। पता नहीं वो वाइब को ढूंढ रही हूँ मैं, क्या वो वाइब मुझे मिलेगी। आई गेस मिल गई है। लुक हाउ नेचुरल ब्यूटिफुल लिप्स, कितने नेचुरल प्लम्पी एंड क्यूट हैं बिना कोई लिप प्रोडक्ट लगाए। कैन यू गाइस बिलीव? ओ यार, मुझे आपके साथ बात करनी थी कोई इम्पॉर्टेंट। यहीं पे बैठ के कर लेते हैं, देन हम नीचे जाएंगे। ओके, सो इम्पॉर्टेंट बात क्या है? रोशनी के लिए सॉरी दोस्तों। सो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, मैंने सोचा कि मैंने आपके साथ काफ़ी समय हो गया कि दिल खोल के बातें नहीं की है, सो आज थोड़ी सी बातें करते हैं। बातें करते हैं मेरी लाइफ के बारे में, कि मेरी लाइफ कैसे चल रही है। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ चीज़ें, मैंने पहले भी कई बार बताया होगा कि मैं बहुत 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 ज़्यादा सोचती हूँ, लाइक ओवरथिंक करती हूँ। और सम टाइम मैं सोचते हुए ये भी सोचती हूँ कि यार मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, लाइक मुझे पता है कि मेरा इतना सोचना अच्छा नहीं है, पर स्टिल मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। सो मैं मेरे YouTube चैनल पे बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करना चाहती हूँ, इतना ज़्यादा। अगर आप मेरे ऑफिस ये रूम में आके देखें, इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं यहाँ पे, लाइक पढ़ने वाली बुक्स नहीं, नोटबुक्स जिसमें मैंने नोट्स लिखे हैं, इतने सारे नोट्स मिलेंगे आपको कि मैं ये भी क्रिएट करना चाहती हूँ, ये भी क्रिएट करना चाहती हूँ, ये भी। कितने सारे कंटेंट क्रिएट करने के प्लान्स हैं मेरे पास। कंटेंट के बारे में मैं सारा दिन सोचती हूँ, मुझे ये वीडियो बनानी है, ये वीडियो बनानी है, नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। सो इसके बारे में मैं हमेशा, मेरा दिमाग चलता रहता है, मैं बाहर जाऊँ, बाजार जाऊँ, शॉपिंग जाऊँ, ग्रॉसरी जाऊँ, व्लॉग बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहता है मुझे यूट्यूब के लिए क्या करना है। सो कुछ चीज़ें मेरी अचीव हो पाती हैं, कुछ नहीं। और जिस सिचुएशन में मैं अब गुजर रही हूँ मेरी लाइफ में, बहुत ही हैप्पी मोड नहीं है, लाइक बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जो हैप्पी नहीं है, लाइक मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, और भी कई ऐसी सिचुएशन है इस समय हम गुजर रहे हैं जो मैं इस समय डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, पर फ्यूचर में कभी करूँगी। पर उन सारी चीज़ों को साइड पर रख के मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करूँ, इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट करूं कि जो भी मेरी वीडियो देखे मज़ा आ जाए उसको, क्योंकि असल में मैं ऐसा ही बंदा हूँ, लाइक हैप्पी, बहुत एनर्जी, बहुत पॉजिटिव। पर पता नहीं सिचुएशन ऐसी है कि सारी चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, और इस पॉइंट पे हूँ मैं कि मैं सोचती हूँ कि यार अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, थोड़ी देर में मैं आराम करूँगी, लाइक आराम करूँगी, छोड़ दूँ सोचना फिलहाल के लिए। इसका मेन रीज़न हेल्थ है, क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। और मेरी हेल्थ का आप ले लो कि काफ़ी महीने हो गए हैं जब मैंने नॉर्मल फील किया होगा। जो वो इटालियन रेस्टोरेंट वाली वीडियो थी, वो एक दिन बहुत अच्छा था, ऐसा अच्छा था कि मेरी बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन नहीं हो रही थी। आई वॉज सो हैप्पी, सो सरप्राइज कि शायद चीज़ें फिनिश हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, पर उसी रात दर्दें शुरू होगी दोबारा। और यार दर्दें ऐसी हैं कि एक बॉडी पार्ट में तो हमेशा रहेगी, दो में होगी, चार में होगी, दस में होगी, दस जॉइंट में कंटिन्यूसली पेन होती है। और ऐसी पेन है कि केनू बार बार दसी जाओ,
कि यार आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग. सो सेहत के हिसाब से चलें तो बेड पे बैठ जाएं, आराम करें. मुझे लगता है कि यही टाइम है कि मुझे पर मुझे लगता है कि यही टाइम है जब मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फाइट करनी है और वहाँ पे लट के रहना है कि मैं जैसी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जो चीज़ें करना चाहती हूँ उससे मैं पीछे नहीं हट सकती, लाइक क्विट नहीं कर सकती मैं. दिस इज़ नॉट मी. सो वी गोना हैंग इन देयर और इन चीज़ों को हरा के आगे निकल जाएंगे, फिर आऊगा मज़ा. सो या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सिचुएशन में हैं जब आपको लगता है कि यार आई एम डन, वही समय है दिखाने का कि ना यू नॉट डन, यू हैव टू फाइट, लाइक फाइट लाइक यू नेवर डिड बिफोर. इस समय अगर आप देखें तो मैं आराम से सो सकती हूँ क्योंकि मेरी बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन है, लाइक बैक की अजीब सी हड्डियों में पेन है मैन, लाइक रिब्स वाली हड्डियों में पेन हो रही है मेरी आज. तो यार पर मैंने सोचा कि यार पेन भी ऐसी तैसी, मैं वीडियोस बनाऊंगी, मज़ा करूंगी, व्लॉग बनाऊंगी फुल ऑफ एनर्जी. अगर मुझे बैठ के बना सकती हूँ तो बैठ के बनाऊंगी, पर मैं क्विट नहीं कर सकती कोई चीज़. और दूसरी चीज़ क्या बताना चाहती थी, हाँ, क्योंकि YouTube मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा हिस्सा है मेरा. मेरे रूम में देखो हर चीज़ YouTube से रिलेटेड है क्योंकि आई लव मेकिंग YouTube वीडियोस. और कैसी वीडियो बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ वो हमेशा मैं सोचती रहती हूँ. और यू नो कई वीडियोस से मैं जब वीडियो शूट करती हूँ मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ उसको एडिट करके अपलोड करने में. जब मैं एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ यार ये वीडियो है नहीं, मज़ा नहीं आया कि ये तो वधिया बना सकती ही मैं. सो अब मेरे चैनल पर कितनी वीडियोज़ होंगी, आई डोंट नो, 300-400 वीडियोज़ होंगी. पर मुझे लगता है कि आज से अभी से मैं ऐसा कॉन्टेंट क्रिएट करूँगी जो मैंने पहले कभी नहीं किया. वो सारी वीडियोज़, मुझे लगता है कि यार सारी वीडियोस मेरी आंखों से दूर हो जाएं क्योंकि मुझे कोई भी वीडियो अच्छी नहीं लगती है और मैं चाहती हूँ कि ऐसी वीडियो बनाऊं जो उनसे अलग हो. सो या कई बार मैं सोचती हूँ यार आज सारी वीडियोस बेकार है, क्यों बनाइया मैं, इन्हें नो डिलीट कर दें या व्हाटएवर. पर मुझे देन लगता है कि यार ये 400 वीडियोस हैं, इनको छोड़ो, नई बनाओ और अच्छी एनर्जी के साथ और मज़ेदार कि आपको देख के मज़ा आ जाए. मेरी एक वीडियो है जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी उस समय, पर अब मुझे लगता है कि यार है नहीं, मज़ा नहीं आया. वो है 100 ईयर्स ऑफ पंजाब, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पे. अच्छा, मैंने शूट की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मुझे पता था कि ये वीडियो अच्छा करेगी फेसबुक पे, और फेसबुक पे काफ़ी अच्छा किया. आई थिंक मोर देन 1 मिलियन और 2 मिलियन व्यूज़ हो गए थे इसके और बहुत खुश थी मैं इस वीडियो से. और मैंने इस वीडियो को काफ़ी 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 ज़्यादा देखा और इतने मैसेजेस, इतने कमेंट्स, इतना कुछ आया इस वीडियो से रिलेटेड. काफ़ी अच्छी लगती रही मुझे ये वीडियो काफ़ी मंथ तक, पर अब मुझे वो वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है. मुझे लगता है कि उस वीडियो को मैं 1000 times बेटर बना सकती हूँ. सो या दैट्स दैट. आई एम नॉट श्योर कि आप इस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड है या नहीं, पर मुझे इसलिए लगा क्योंकि मुझे बहुत 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 सारे मैसेज आते हैं. आप बिलीव नहीं करेंगे कि बहुत सारे मैसेज आते हैं जो दोस्त कहते हैं कि वो यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हैं, वो क्या करें और कैसे वीडियो बनाना शुरू करें. मैं उनको बताऊंगी मैं एडिट कैसे करती हूँ, ये कैसे करती हूँ, वो कैसे करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें. और मैंने कईयों के पेजेस पे जाके भी देखा है कि उन्होंने एक ही वीडियो अपलोड की होती है और वो ऑलरेडी हिम्मत हार चुके हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने मंडे चैनल शुरू किया था और आज तक सिर्फ 10 व्यूज़ हैं. लाइक आज तक पता क्या, वेनसडे था, सिर्फ 3 दिन हुए हैं और उनके चैनल पे कम व्यूज़ हैं और वो ऑलरेडी हार चुके हैं. सो YouTube की दुनिया में ऐसा है कि कोई भी सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है. हो सकता है कि आपको सक्सेस ईजिली मिल जाए, पर मेरे हिसाब से आपके सक्सेस का पैरामीटर होना चाहिए कि आपको वो चीज़ करने में पैशन है. अगर आपका सक्सेस का पैरामीटर है कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होना चाहिए, आपको बहुत सारे लोग जानने चाहिए और आप पैसा कमाना चाहिए, तो वो गलत है. तो उसके लिए ये अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बहुत लंबा नहीं जा पाएंगे क्योंकि हो सकता है उन चीज़ों के लिए आपको महीना लगे, 2 महीने लगे या फिर साल लगे, 2 साल, 3, 4, 5 साल, यू नेवर नो. सो अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं तो आप उसको लंबा समय तक करेंगे क्योंकि आपको उन चीज़ों को करने में मज़ा आता है. तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें देखते नहीं हैं जस्ट लाइक मी. और दूसरी बात है कि इतनी जल्दी हार मत मानें क्योंकि यू नेवर नो कि कहाँ पे है आपका सक्सेस. सो
इतनी जल्दी और इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखें, कम कर दे रो, फल की इच्छा मत करो, करो करो करो। और जो दोस्त कहते हैं कि वो उनके पास कैमरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो कैसे करें, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे चीज़ें वीडियो बनाना शुरू कर दो, और लेट मत करो। अगर आपको लगता है कि आपको यूट्यूब वीडियो बनाना चाहिए, आज ही से शुरू कर दो। आप चीज़ें रास्ते में सीखते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि कैसे वीडियोस बनानी चाहिए, कैसे ये करना चाहिए, पर जो आप खुद करके सीखते हैं ना, वो आप कहीं पे पढ़ के सीख नहीं सकते हैं। सो अगर आप इस प्रोसेस से गो थ्रू होंगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि हर लोग सेम ही बातें कहते हैं कि ये करो ये करो ये करो, जब तक आप करना शुरू नहीं करते तब तक आपको नहीं पता चलेगा। और अगर आपको वीडियो एडिट करना नहीं आता है, इट्स ओके, जैसा भी आता है करें। और यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं कि कैसे एडिट करें, कैसा कैमरा को सेट करें। अगर आप पैशनेट हैं तो आप अपना रास्ता ढूंढ ही लेंगे अपने चैनल को शुरू करने के लिए, अगर आप नहीं हैं तो फिर आप बहाने ढूंढते रहेंगे। मेरी जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर से बहुत दूर है, आपको पता है कि मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, लाइक मैं शेफ हूँ, और टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी ज़्यादा मुझे चीज़ें नहीं पता थी, पर मैंने रात 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 जाके बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, पढ़ के, वीडियोज़ देख के, और सारा कुछ मैंने खुद से सीखा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ इस चीज़ को लेके। जब मैं बहुत छोटा था, लाइक 3-4 मंथ का होगा, तो मैं रात को 4-5 बजे तक सोती थी। मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड के उठने का समय हो जाता था जब मैं सोने के लिए जाती थी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही थी सीखने के लिए कि मैं एडिट कैसे करूं, वीडियो को शूट कैसे करूं, कैमरे को कैसे करते हैं। सो ये चीज़ें सारी आपको करनी पड़ेंगी, आपको कोई ऐसे पेपर पर लिख के नहीं दे देगा यार आज सारी चीज़ें कर, यू आर डन। सो खुद आपको करना पड़ेगा, सो करें खुद, और ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप हार्डवर्किंग हैं, पैशनेट हैं, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा, जल्दी नहीं तो लेट, पर यस, हैंग इन देयर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर सबसे पहली और सबसे मेन चीज़ है कि करना शुरू कर दें, आप सारी चीज़ें सीख लेंगे। हो सकता है कि जो आज बेस्ट वीडियो बना रहा है, बेस्ट प्रोडक्शन है, बेस्ट एडिटिंग है, आप उसके ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाना शुरू कर दो, क्योंकि आप सीख लेंगे वैसा। या जस्ट शुरू करें, टेंशन मत लें कि मेरी वीडियो उसके जैसी होनी चाहिए, मेरी चीज़ें उसके जैसी होनी चाहिए, करते रहें। और दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि किसी और को बनने की कोशिश मत करें, जो आप हैं वैसे ही रहें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो जितना दे आप हैं वैसे रहें, और आपके जैसे आपको लोग मिल ही जाएंगे। सो या दैट्स माई ज्ञान। मैं चाहती थी कि छोटी सी बातचीत हो, पर ये ज्ञान बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको बोर किया। बहुत लंबे समय से ये बातें करना चाहती थी मैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मैंने कई बार बात करने की कोशिश भी की, पर फिर वो वीडियो व्लॉग में नहीं जा पाई, क्योंकि बहुत लंबी बातचीत हो गई थी। सो या दैट्स दैट। आई होप आपको इंस्पिरेशन मिले होगी कि यार करो, कुछ करो, जो आपको मज़ा आता है, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं बस करें, पर दिल से मैल नहीं रखनी, खुशी से प्यारे दिल के साथ चीज़ें करें, आज नहीं तो कल हो जाएगा सब कुछ अच्छा। चंगा दोस्तों, चंगा, आई लव यू गाइस सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, बाय।